अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की फजल व करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ एक अपना ब्रेकफास्ट शेयर करने लगी हूँ, जो कि है एक हेल्दी स्मूदी। इसमें इंग्रेडिएंट्स ये हैं: पपाया, 2 एप्पल्स, 2 कीवी, 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज, 2 बनानास। आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल वगैरह या कोई और चीज़ भी जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को पील ऑफ करके अच्छे से कट कर लें। पपाया आप जितना चाहते हैं उतना ले लें, क्योंकि पपाये का साइज़ तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा होता है, पूरा तो नहीं डाल सकते। सब चीज़ों को अच्छे से आपने फाइनली उसको कट कर लिया। उसके बाद अब इन सब चीज़ों को एक ग्राइंडर में डाल दें। वैसे तो आप जूस निकाल के भी पी सकते हैं, लेकिन जूस निकालने में उसका काफ़ी गूदा जो होता है वो ज़ाया चला जाता है, तो उसमें विटामिन भी साथ नहीं उतने अच्छी तरह से आपकी बॉडी ले सकती। तो स्मूदी का ये फ़ायदा है कि इसमें फ्रूट के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ वो आपके अंदर जाएगा और आपको अच्छी तरह से उसके विटामिन मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है, ये एक दफ़ा आप इसको ब्रेकफास्ट में ले लें, सारा दिन आपको सुकून रहेगा। काफ़ी देर तक आपको प्यास नहीं लगेगी, स्पेशली आप रमजान में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जब आप ले लें तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें, काफ़ी अच्छे से बना देते हैं, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा पानी ऐड करके। सबसे नीचे आप कोशिश करें कि सॉफ्ट वाले फ्रूट डालें, जैसे कि पपाया और बनाना वगैरह, स्ट्रॉबेरी। और बस थोड़ा सा आपने इसको ग्राइंड किया और आपका हेल्दी स्मूदी रेडी है। ये है जी मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और मैं इस, अगर ये आपको गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें फ्रेश ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं। मैं कभी जब मेरा मूड होता है तो फिर मैं फ्रेश ऑरेंज भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। डेली रूटीन में इसका मैं फ्रूट्स चेंज करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।